हेलो एवरीवन आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में चैप्टर टेन वेव ऑप्टिक्स हम रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं ये ऑप्टिक्स की दूसरी ब्रांच है सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या होती है तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विद गिवस सेंसेशन ऑफ विजन ये एनर्जी का वो टाइप है जिसके कारण हम देख सकते हैं दसी संवेदना जिसके कारण हमें होती है ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ लाइट And its कौन कौन से फिन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्कैटरिंग अब ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है रे ऑप्टिक्स जो कि हम चैप्टर नाइन में कवर कर चुके हैं और अब वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में हमने क्या देखा था इस ब्रांच में हम लाइट के ऐसे जो लाइट के फिनोमिनाज होते हैं उनको किस बेस पर एक्सप्लेन करते हैं फिनोमिनाज ऑफ लाइट आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रे नेचर ऑफ लाइट कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर से मिलके बनी हुई है रे नेचर से बनी हुई है और वेव ऑप्टिक्स में हम देखेंगे इन दिस ब्रांच लाइट इज इन वेव फॉर्म मतलब कि लाइट के फिनोमिना को पढ़ेंगे और कैसे कि लाइट जो होती है वेव फॉर्म में होती है एंड वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ लाइट मतलब कि जितने भी फिनोमिनाज हैं वो उनको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करेंगे तो अगर हम दोनों को मिला के बात करें तो लाइट का जो नेचर होता है एक्चुअल में डुबल नेचर होता है रे नेचर भी मतलब पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी कुछ फिनोमिनाज को रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और कुछ फिनोमिनाज को वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो इन द सेवनटीन सेंचुरी बहुत सारी थ्योरी प्रपोज की गई उनमें से जो मेन दो थ्योरीज थी उनमें से एक थ्योरी थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और दूसरी थी हाइगंस वेव थ्योरी ये लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी थी लेकिन जो कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से फेल हो गई थी इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया गया और हाइगन की जो थ्योरी थी वो भी उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे बट फिर भी उसने कहीं हद तक लाइट के फॉर्म को वेव नेचर में बताया तो अभी हम देखेंगे दोनों थ्योरी न्यूटन्स कॉस्पोस्कुलर थ्योरी और वेव्स uh, हाइगन की वेव थ्योरी सबसे पहले देखते हैं न्यूटन कॉस्प थ्योरी क्या थी तो इन ईयर सिक्सटीन टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ लाइट न्यूटन्स गेव थ्योरी बेस्ड ऑन कॉरपोस्कुलर अभी कॉरपोस्कुलर क्या है और इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं तो कॉर्पस्कुलर कुछ नहीं ये क्या है लाइट इज मेड बाय वेरी वेरी स्मॉल एंड वेटलेस पार्टिकल बी मतलब कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जो कि क्या है साइज में बहुत छोटे हैं और वेटलेस हैं और इस पूरी बीम को हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलर कड़ी का मतलब जैसे माला होती है कोई भी ठीक है तो माला में क्या छोटे छोटे मोती बने होते हैं मोती हैं लेकिन वो कैसे हैं वेटलेस हैं और उनकी पूरी एक लाइन को हम क्या बोलेंगे कॉर्पस्कुलर दीज़ आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी मतलब ये सारे कॉज प्लस होते हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और इनको प्रपोगेट होने के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है बिना मीडियम के भी चले जा सकते हैं वेन these corpuscles प्लस to टू रेटिना देन वी हैव सेंस ऑफ विजन मतलब यहाँ इन्होंने न्यूटन ने, ने, ने एक्सप्लेन किया कि हम देख कैसे पाते हैं तो जब ये कॉरपोस्कुलर हमारे रेटिनास को स्ट्राइक करते हैं तो हमें दृष्टि संवेदना होती है विजन हमारे लिए मिलता है दैट मीन यहाँ इनके पॉइंट सही जाने लगे ये इनकी थ्योरी थी फिर कि हमें अलग अलग कलर कैसे दिखाई देते हैं तो उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट कलर्स ऑफ कॉर्प होते हैं मतलब अलग अलग के अलग अलग कलर के कॉर्प होते हैं उनकी साइज जो होती है वो अलग अलग होती है तो जब भी हमारे रेटिना से स्ट्राइक करते हैं तो हमें इनकी साइज के कारण साइज के अलग अलग होने के कारण कलर अलग अलग दिखाई देते हैं जैसे कि वेवलेंथ हम जानते हैं सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है when this corpuscular reaches near to any surface of medium then this corpuscular experiences either attractive or repulsive force based on nature of surface matlab ki inhone ye kaha ki jab bhi ye corpuscular kisi bhi surface par aate hain तो उस सरफेस पर पहुंचने से पहले मतलब सरफेस जो है उस corpuscular पर या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगी मतलब कोई भी बीम आएगी तो जैसे सरफेस पर पहुंचने वाली होगी तो ये सरफेस जो है उस पर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव फोर्स ये डिपेंड करता है उसके नेचर पर ठीक अब किसी भी चीज को फेल करने से पहले उसको प्रूफ सही करना होता है, है ना तो इनके बेस पर अगर हम देखें कॉर्पेस्कुलर थ्योरी के बेस पर कौन कौन से फिनोमिना इन्होंने अच्छे से समझा है तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन थ्योरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स कॉरपोस्कुलर थ्योरी मतलब कॉरपोस्कुलर ने बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो देखते हैं कैसे इन्होंने एक सरफेस लिया ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नेचर रिपल्सिव फोर्स लगाना होता है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नेचर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना होता है तो अब इन्होंने माना कि यहां से एक ए कॉरपोस्कुलस आ रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है वी अब चूंकि ये कुछ एंगल पर आ रहा है सरफेस से अगर हम बात करें और नॉर्थ फेस के नॉर्मस देंगे कुछ एंगल पर आ रहा है तो इस हर एक पॉइंट पर इसके दो कंपोनेंट किए v के वेलोसिटी के तो v cos i और v sin i आप देख सकते हैं अगर ये एंगल आई है तो ये वाली एंगल आई होगा ठीक है ना ये दो लाइन पैरेलल हो गई और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई तो ये i हो गया तो अगर ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे तो v cos i वर्टिकल कंपोनेंट और v sin i हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चूंकि ये वेव आ रही है कॉर्पस्कुलर आ रहा है सरफेस पर तो जैसे जैसे ये सरफेस पे आ रहा है सरफेस इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स मतलब अपोज कर रहा है तो हम देखें इसकी वेलोसिटी जो है i, ये बढ़ेगा या घटेगा अब कोई यहां लैंड कर रहा है नीचे तो और हम इसको अपोज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी कम होगी तो जैसे जैसे ये सरफेस की ओर आता है तो क्या होता है वी कॉस आई की वैल्यू कम होने लगती है और जब ये पॉइंट ओ पर पहुंचता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है जीरो फिर भी ये धक्का देने लगता है और धक्का देने लगता है तो क्या हो जाता है ये अब अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा मतलब कि कुछ एंगल पे जाने लगेगा इस केस में फिर से अब ये ऊपर जा रहा है और ये धक्का दे रहा है तो अब ये वी कॉस आर है वो क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा बढ़ेगा क्यों क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और इसको और धक्का दे रहा है मतलब कि अब जैसे जस जैसे की वैल्यू स्थिति क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी ठीक है लेकिन यहां भी कंपोनेंट किए हैं हमने तो वी साइन आर ऑरिजेंटल कंपोनेंट है तो यहाँ वी कोस आई और वी कोस आर तो घट रहे और बढ़ रहे हैं लेकिन दो कंपोनेंट हैं वी साइन आई और वी साइन आर जो जिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा जिनकी वैल्यू हमेशा कॉन्सेंट है क्यों कॉन्सटेंट है क्योंकि हम यहां देख के आए ये वैल्यू कॉन्सेंट है तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिमेन कॉन्स्टेंट क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है सो वी साइन आई इक्वल टू वी साइन आर वैलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल तो साइन आई इक्वल टू साइन आर और इनका अगर हम इनवर्स साइन लें तो क्या हो जाएगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज प्लस थ्योरी वी कैन से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर और यही तो शायद न्यूटन का सेकेंड uh, लॉ था रिफ्लेक्शन का लॉ था सेकेंड कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल जो होते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल वो क्या होते हैं सेम होते हैं तो मतलब कि इस थ्योरी ने रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया दैट्स इस थ्योरी को हमने एक्सेप्ट किया थोड़ी देर के लिए उसके बाद जब दूसरी थ्योरी आएगी या इसके ड्रॉबैक आएंगे तो हटा देंगे अब इसी थ्योरी के बेस पर हम देखते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना दैट मीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन कॉरपोस्कुलर थ्योरी सिमिलर बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिफ्लेक्शन इन्होंने प्रूव किया कि एक एओ वेव आ रही है विद वेलोसिटी अब चूंकि यहां अलग अलग मीडियम है तो इसलिए वेलोसिटी वी ना लेके हम कह लेंगे वी वन और वी टू तो रेयर मीडियम में हमने ली है वी वन और डेंसर मीडियम में हम लेंगे वी टू अब क्योंकि इसका नेचर जो है वो अट्रैक्टिव है तो जब ये वी वन आ रही होगी तो इसको क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी तो अगेन इसके दो कंपोनेंट करने पर वी वन कॉस आई एंड वी वन साइन आई सिमिलरली ये ऑरिजेंटल कंपोनेंट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन यहां हम अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा जैसे जैसे v1 वन कॉस आई पास आता जाएगा सरफेस का अब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी दैट मीन्स v1 वन साइन आई तो हमेशा कॉन्सेंट रहेगा लेकिन v1 वन कॉस आई जैसे जैसे पास पहुंचेगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी अब पहुंचने के बाद अब क्या होगा है? हमारे पास यहां से अट्रैक्टिव फोर्स का हमारे पास ये आ गया और सेकंड मीडियम पहुंच गया और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वी टू अब अगेन अब वी टू अब क्या हो रहा है ये इसको धक्का देने लगा क्योंकि यहाँ खींच रहा था अभी दूर जा रही तो उसको धक्का देने लगा तो फिर से इसके दो कंपोनेंट किए वी टू r आर के तो वी टू साइन आर हमेशा फिर से कॉन्स्टेंट और ये हमारा क्या आ गया वी टू r आर वी टू आर जो हमारा वो घटने लगेगा नीचे जाने लगेगा अब कॉन्स्टेंट क्या है वी वन साइन आई और वी टू साइन आर तो फिर से वही बात क्योंकि हॉजेंटल कंपोनेंट में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो दोनों की वैल्यू कॉन्सेंट होगी दैट मीस वी वन साइन आई इक्वल टू वी टू साइन आर दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन एंड आई थिंक इट इज नोन एज स्नेल्स लॉ है ना दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ लेकिन अब इसके ड्रॉबैक्स थे ड्रॉबैक्स ये थे कि अगर हम देखें यहां रेयर मीडियम है और यहाँ डेंसर मीडियम है रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है या डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है तो आपको पता होता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम में लेकिन इस फिनोमिना के अकॉर्ड अकॉर्डिंग जब इन्होंने और इसको एक्सप्लेन किया तो पाया कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो ज्यादा होती है और रेयर में कम तो एक तो यहां इनका ड्रॉबैक चला गया दूसरा इन्होंने जो बोला था कि यहां से किसी भी सोर्स से कारपोस्कुलर निकलते रहते हैं तो एक समय बाद क्या होगा उससे पूरे जो पार्टिकल्स की बीम निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा मासलेस बन जाएगा और भी ऐसे कई ड्रॉबैक्स है जिसको ये पूरा नहीं कर पाए और यहाँ इसकी थ्योरी फेल हो गई अब हम अगले वीडियो में देखेंगे न्यूटन्स सॉरी हाइगन्स वेव थ्योरी